हम क्या हर आदमी चाहते हैं कि उनका छोटा ही घर हो, बट अपना हो, अपना छत हो, अपना आशियाना हो। अपने के साथ साथ यहाँ पे जो 1BHK हम लोग फ्लैट देखेंगे उसमें जैकवार की सैनिटरी फिटिंग मिलती है, कॉमन वॉशरूम मिलता है, जो बेडरूम मिलता है, दो बड़े बड़े इसमें आपको वार्डरोब मिलते हैं और दो बड़ा सा आपको टीवी पैनल भी मिलता है। कंप्लीट वेंटिलेटेड 1BHK का फ्लैट, जो बेडरूम होगा उसमें प्रॉपर विंडो होगी और साथ में किचन को कैसे बोल सकते हैं, किचन में भी आपको विंडो प्रॉपर मिल जाएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो आपको मिल ही रही है, साथ में इस पे आप 90% तक लोन ले सकते हैं। तो चलिए फ्लैट का टूर कर लेते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे। घर से ही मिलेगा यही। जो फ्लैट अभी हम लोग देखेंगे ये 1BHK का है। इसकी जो लोकेशन है वो वेस्ट दिल्ली में है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नवादा है। घर के अंदर दो तरह के आपको पानी मिल जाते हैं, एक आपको समरसिबल का पानी मिलता है, एक दिल्ली जल बोर्ड का मीठा पानी मिलता है। गैस कनेक्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल है और साथ में फ्लैट के आसपास जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी आपको मिलती है, चाहे वो लोकल मार्केट हो, स्कूल हो बच्चों के लिए, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक डेवलप्ड एरिया में ये 1BHK का फ्लैट है, प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल और सस्ता रखा गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं बिल्डिंग के बाहर की लोकेशन। देखिए ये आपको रोड मिल रही है, इसी रोड से आप अपने घर में आएंगे और बिल्डिंग की जो आउटर लुक है, बाहर से जो एलिवेशन आपको दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। और यहाँ जो पूरी पार्किंग आप देख पा रहे होंगे, आप अपनी बाइक को पार्क कर सकते हैं क्योंकि इस फ्लैट के साथ हम 2-व्हीलर पार्किंग दे रहे हैं। चलिए अपने प्यारे से फ्लैट को देख लेते हैं, जो आशियाना 1BHK का मिलने वाला है वो देख लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो स्टार्ट हम करें अपने घर से। डायरेक्शन बता दूं, जब फ्लैट के आप अंदर आ रहे हैं तो सामने ईस्ट फेसिंग है घर के, जब बाहर निकलेंगे तो वेस्ट फेसिंग होगा। एक फ्लोर पे दो फ्लैट बनाए गए हैं, बिल्डिंग में टोटल 8 फ्लैट हैं, जिसमें 4 2BHK हैं और 4 1BHK हैं। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो ये पूरा आपको ड्राॅइंग रूम मिल जाता है, कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ मिलता है जो बेडरूम के साथ भी यूज हो जाएगा। और यहाँ आपको बेडरूम मिल रहा है, वार्डरोब है, इसके साथ बैल्कनी है, विंडो है, और यहाँ आपको मिल जाता है मॉड्यूलर किचन विंडो के साथ भी और इलेक्ट्रॉनिक चिमनी के साथ भी। चलिए ड्राइंग रूम देख लेते हैं, क्योंकि ड्राइंग रूम एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे आपके गेस्ट आते हैं, वहीं पे बातें होती हैं, फैमिली के साथ भी आप मैक्सिमम टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। इस तरह का पूरा आपको ड्राइंग रूम मिल रहा है। आप एज्यूम कर सकते हैं यहाँ एल टाइप का आपका सोफा आ जाएगा, 5-सीटर सोफा बहुत आराम से आ जाएगा, बीच में आपका कॉफी टेबल आ जाएगा। साथ में अगर आप स्प्लिट एसी की वायरिंग अगर आप स्प्लिट एसी लगाना चाहते हैं तो वायरिंग हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी करके दे रहे हैं। और ड्राइंग रूम में भी आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल रहा है, देखिए इस तरह का आपको यहाँ विंडो मिलता है। और जब आप यहाँ सोफा लगाएंगे, आप यहाँ बैठेंगे, टीवी लगाने के लिए एक बड़ा सा टीवी पैनल मिल जाता है। मैं साइज भी आपको बता दूं कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आपको यहाँ इस तरह का साइज मिल रहा है। ऊपर डेकोरेशन के लिए आप चाहें तो कुछ रख सकते हैं, कुछ शो पीस आप ऊपर रख सकते हैं, ये सारे आपको स्पेस यहाँ से वहाँ तक मिल रहा है। और स्टोरेज के लिए भी इस टीवी पैनल में ही अलग से 2 आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं। टीवी पैनल के साथ साथ जब आपके घर में मेहमान आएंगे तो जो छत है, जो सीलिंग की डिज़ाइन है, उसका भी खूबसूरत होना ज़रूरी होता है, जो इस तरह से है। इसमें कॉब लाइट LED लाइट्स यूज़ की गई है, बहुत ही डिसेंट और ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। इसमें फ़ैन भी देखिए कितना डिज़ाइनर और स्टाइलिश हम लोग ने लगाया है। इसके साथ जो कॉमन वॉशरूम मिलता है, जनरली आप अगर फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो आप देखते होंगे 1BHK में जो वॉशरूम है वो बेडरूम के साथ होता है, बट यहाँ पे कॉमन वॉशरूम हम लोग ने निकाला है और अच्छे से जगह का यूटिलाइज किया गया है। एक अच्छा खासा आपको इसमें स्पेस मिलता है, देखिए काफी बड़ा ये आपको वॉशरूम मिल जाता है। इस तरह से बनाया गया है कि आपके बेडरूम के साथ भी यूज हो जाएगा। देखिए ये पूरा यहाँ बड़ा सा वॉल माउंटेड हम लोग ने यहाँ पे सीट लगाया है, ऊपर गीजर के पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ आपको बाथिंग एरिया मिल जाता है,
शावर आपको यहाँ मिल जाता है। और नीचे मैं दिखाना चाहूंगा जो हमने जैक्वार की बात की थी, वो जैक्वार ब्रांड डाइवर्टर हम लोग यहाँ लगा के दे रहे हैं। इसी टाइप से आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर मिल जाएगा। यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का जो मीठा पानी आता है वो इससे आएगा, वो स्पेशन आपको यहाँ मिल जाता है। और रूफ तक हम लोग ने टाइल्स लगाया है, तो एक अच्छे खासे स्पेस के साथ ये आपको कॉमन वॉशरूम मिल रहा है। एक बार आप दे फ्लोरिंग दिखाइए, एंटीस की टाइल्स की फ्लोरिंग हम लोग ने लगाई है, एक बार दिखाइए। ये फ्लोरिंग आपको मिलती है एंटी स्किड का, फायदा ये होता है कि उसमें ग्रिप अच्छी बनती है, पैर आपका नहीं फिसलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने किचन की, एक बार स्पेस दिखाइए। इस तरह का यहाँ पे आपको किचन मिल रहा है। मैं शुरुआत यहां से करता हूं। यहां देखिए इस तरह के पार्टीशन आपको मिल रहे हैं। यहाँ 3 स्लॉट्स डाले गए हैं, और अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे लाइट्स यूज किया है। कांच का जो पार्टीशन है बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है और काफी स्पेसियस भी है। तो इस तरह का आपको यहाँ स्टोरेज के लिए एक अलग से स्पेस मिल जाता है। साथ में यहाँ भी देखिए ये स्पेस भी आपको मिल रहा है। आपको इस किचन में अच्छे खासे स्पेस मिल रहे हैं। देखिए ये सारे बड़े बड़े आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं। इसमें 3 कैबिनेट्स यहाँ भी दिए गए हैं। देखिए इस तरह के कैबिनेट्स यहाँ मिलते हैं। ये कटलरी वेयर के लिए है। यहाँ पे स्पून, आप जो कप है, स्मॉल यूटेंसिल्स है, फोर्क है, वो रख सकते हैं आप। और बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें चावल, गेहूँ, आटा ये सब रखते हैं, उसके लिए अलग से यहाँ स्पेस मिल जाता है। साथ में ये स्पेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो खाली सिलेंडर रख सकते हैं। और इसी के ठीक ऊपर, क्लोज करिए देव, साउंड प्रूफ सिंक हम लोग ने यहाँ पे लगाया है। ये देखिए इसे हॉट एंड कोल्ड वाटर आ जाएगा, और अपने हिसाब से आप इसे मूव भी कर सकते हैं। इस तरह से जिस तरफ आपको पानी की ज़रूरत है उस तरफ आप इसे टर्न कर सकते हैं। ऊपर भी गीज़र के पॉइंट्स दिए गए हैं, किचन में भी आप गीज़र लगा सकते हैं। और वेंटिलेशन की मैंने बात की थी, ये आपको विंडो मिलता है जो बैल्कनी में ओपन होता है। ऊपर अपना एक एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। नीचे का हमने आपको दिखा दिया है स्टोरेज। ऊपर देखिए इस तरह के ऊपर भी आपको स्पेस मिल रहे हैं। यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगा के दे रहे हैं, और इस तरफ भी आपको स्पेस मिल जाता है। तो अच्छे खासे जो 1 BHK का फ्लैट है उसमें किचन का आपको स्पेस मिल रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपके सपनों का घर आपको मिल जाएगा। और शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बेडरूम की बात कर लेते हैं। मैंने स्पेस की बात की थी, एक बार पूरा फ्लोरिंग दिखाइए, स्पेस भी दिख जाएगा। अगर आप इसका लेआउट चाहते हैं आप अपना नंबर भेजिए, हम लोग इसका लेआउट व्हाट्सएप कर देंगे। देखिए दोनों तरफ अच्छे खासे स्टोरेज के साथ यहाँ वार्डरोब आपको मिलता है। देखिए इस तरह का डीप स्टोरेज आपको मिल रहा है। और नीचे भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको, नीचे भी इस तरह के आपको स्पेस मिल रहे हैं। ये 2 कैबिनेट्स सेम यहाँ भी आपको मिलता है। मैं एक एक चीज़ बारीकी से आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ भी इस तरह के आपको स्टोरेज मिल रहे हैं। बीच में जो जगह ये छोड़ा गया है इसमें आप अपना 6x6 का बेड रख सकते हैं। और इसमें भी टीवी पैनल, देखिए इस तरह का बड़ा सा टीवी पैनल आपको मिलता है। एक बार बॉक्सेस दिखाइए देव आप सारे। ये जो आपको ओपन कैबिनेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ डेकोरेशन के लिए आप रख सकते हैं, शो पीस आपका आ सकता है। तो इस तरह का पूरा डिज़ाइन आपको मिलता है, बीच में आप अपना टीवी लगा सकते हैं। इसकी मैं सीलिंग की डिज़ाइन दिखाता हूँ आपको, इस तरह की फॉल सीलिंग की आपको डिज़ाइन मिल रही है कॉब लाइट LED लाइट्स के साथ। वेंटिलेशन की हमने बात की थी, बैल्कनी के साथ साथ यहाँ आपको बड़ी सी विंडो मिल रही है, ऊपर आप अपना विंडो AC लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 1 BHK का फ्लैट है जिसमें एक विंडो AC लगाने का प्रोविजन है और एक स्प्लिट AC। इसी के साथ यहाँ आपको बैल्कनी मिल जाती है। बैल्कनी में आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, हम लोग ने टैप लगा दिया है तो बहुत आराम से इसको वेट एरिया बनाया जा सकता है। बैल्कनी हमने देख ली। अगर मैं इस 1 BHK फ्लैट की सिनॉप्सिस की बात करूँ, जैक्वार की फिटिंग के साथ, कॉमन वॉशरूम के साथ किचन भी वेंटिलेटेड मिल रहा है और बेडरूम भी आपको वेंटिलेटेड मिल रहा है। प्राइस डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। और साथ में
90% तक आप इस पे लोन ले सकते हैं। वेस्ट दिल्ली में ये फ्लैट है, द्वारका मोड़ इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ और भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कस्टमर केयर का नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर फोन करिए, जो हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। और अगर ये फ्लैट आपको पसंद आया है तो आप विजिट करिए। अगर आपको ये फ्लैट नहीं भी ठीक लग रहा है बट जो आपके नियर एंड डियर हैं उनको इस तरह के फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलिए। और सच में फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।